बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके पास हरियाणा कैबिनेट में है सहकारिता विभाग वाकई एक बड़ी जिम्मेदारी सर अब तक तो की अगर बात करें किस तरह से किस दिशा में विभाग काम कर रहा है और क्या क्या बड़े काम किए गए देखो जो सहकारिता विभाग है वो किसानों से जुड़ा हुआ विभाग है और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का एक सपना है और कोशिश भी कर रहे हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी हो और उनका जो खेती से जो जुड़े हुए जो भी सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएं ताकि किसान सुरक्षित और सुखद महसूस कर सके इसी दिशा में हमारा विभाग काम कर रहा है तो इसके अंदर जो हमारा जो डेयरी विभाग है जो पशुधन से रिलेटेड है और उससे जुड़ी हुई हम जो योजनाएं हैं चाहे हमें मिल्क प्लांट खोलना हो या बूथ खोलने हो तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और किसानों को जो पशुधन खरीदने के लिए लोन की व्यवस्था की गई है एक लाख साठ हज़ार तक है उसकी गारंटी नहीं देनी पड़ती और तीन लाख अगर लोन लेता है तो उसको कोलेटल गारंटी देनी पड़ती है और इंटरेस्ट फ्री अगर मान लो समय पर लोन चुकाता है तो उसको इंटरेस्ट फ्री भी लोन दिया जाता है आ, केंद्र में सहकारिता मंत्रालय बनाया गया और खुद केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसकी जिम्मेदारी संभाली है इससे कितनी मदद मिली है सहकारिता क्षेत्र को मजबूत करने में देखो पहले ये जो सहकारिता विभाग था केंद्र के अंदर ये कृषि विभाग से जुड़ा हुआ था लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने इस विभाग की अहमियता को समझते हुए अलग से विभाग बनाया और उससे भी बड़ी बात कि इस विभाग का जुम्मा अमित शाह जी को दिया गया जो कि खुद आज भी कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं वो डायरेक्टर भी रहे हुए हैं चेयरमैन भी रहे हुए हैं और वो जमीन से जुड़े हुए हैं उनको इस विभाग की पूर्णी पूर्ण जानकारी है तो आज जिस तरह से अभी हमारी आठ और नौ को पूरे देश के कोऑपरेटिव मिनिस्टर्स की मीटिंग भी बुला रखी उन्होंने तो निश्चित तौर पर ये विभाग माननीय अमित शाह जी के दिशा निर्देशन में बड़ा अच्छा चल रहा है और आगे भी कुछ एक जो कमियां हैं कुछ एक जो कानून हैं जिसकी वजह से किसानों को लाभ नहीं मिल पाता उनमें भी कुछ चेंज कर कर करके और जो हमारी जो पैक्स हैं उनका एक सपना है कि ये जो पैक्स हमारी जो आ, हमारी प्राइमरी यूनिट है जहाँ से किसानों को लोन मिलता है इस पैक्स को हम कंप्यूटराइज करेंगे और पूरे देश के अंदर ये प्रक्रिया चल रही है अच्छा इसे कंप्यूटराइज करने से क्या पारदर्शिता बढ़ेगी या इसके अलावा भी कोई रफ्तार भी बढ़ेगी कार्यों की क्या कुछ लक्ष्य देखो इस सबसे सर... बड़ा तो इसमें ट्रांसपेरेंसी का मामला है जो पहले जो काम होता है पैक्स के अंदर वो हाथ से होता था तो उसमें जो एक अनिमिताएँ काफ़ी थी और लोगों को इस बैंक पर विश्वास भी नहीं था लेकिन जब ये हमारी पैक्स सारी कंप्यूटराइज हो जाएंगी और ऑनलाइन हो जाएंगी तो जो लेन देन पैक्स के अंदर होगा वो चंडीगढ़ में मैं भी देख सकता हूँ हमारा एमडी भी देख सकता है तो उससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी और उसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ काम क्विक भी होगा और जो भी भ्रष्टाचार या अनियमिताएँ इसमें होती थी उस पर उन पर अंकुश लगेगा तो ये काफ़ी अच्छा स्टेप माननीय अमित शाह जी ने उठाया है और नवंबर तक हमारे हरियाणा के अंदर लगभग सभी पैक्स कंप्यूटराइज हो जाएंगे आ, बिल्कुल सर देखिए सहकारिता गांव के खास तौर पर सामाजिक और आर्थिक ढांचे या ताने-बाने की बुनियाद है ऐसे में किसानों के साथ-साथ किसानों को लेकर तो हम विस्तार से बात करेंगे लेकिन किसानों के अलावा महिला और युवा भी सहकारिता से जुड़ें उन्हें रोजगार मिल पाए क्या उनके लिए भी सरकार के पास कोई रोड है देखो आ, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं कि हमें रोज़गार नौकरियां सबको नहीं मिल सकती लेकिन हम रोजगार दे सकते हैं आत्मनिर्भर भारत का जो सपना हमारे देश के प्रधानमंत्री देख रहे हैं उसको सहकारिता विभाग के जरिए ही हम पूरा कर सकते हैं और सहकारिता विभाग का मतलब है कि हम सब साथ मिलकर काम करें और आपस में सहयोग करके काम करें और इस दिशा में आ, मैं ये सोचता हूँ कि आ, जो सहकारिता विभाग के अंदर युवाओं की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि अब जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके जो सोच है वो नई है इनोवेटिव सोच है उनकी क्या कुछ नया हम कर सकते हैं तो जो हमारा युवा है उसको निश्चित तौर पर कोऑपरेटिव डिपार्ट कोऑपरेटिव विभाग से जुड़ना चाहिए और अपनी जो सोच है उसको आगे लें ताकि हम इस सहकारिता विभाग के जरिए हम रोज़गार भी दे सकते हैं लोगों को और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात अभी आप कर रहे थे ये बहुत ही अच्छा एक समूह है हमारे पास और जो महिलाएं हैं वो घर बैठकर अपना धंधा कर सकती हैं अपना काम कर सकती हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकती हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है इसके एक जो चैलेंज है वो ये है कि हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो जो प्रोडक्ट बनाता है उस प्रोडक्ट को हमें उनको एक गारंटी देनी पड़ेगी कि उनका जो प्रोडक्ट होगा उसकी मार्केटिंग हम करवाएं ताकि उनकी एक आ, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक आ, उनका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में जाए और उनकी इनकम हो सके तो ये हम आ, कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं इनका जो भी प्रोडक्ट है उनको हम मार्केट दें जैसे जैसे मान लो कोई टेलरिंग का काम करता है तो हम जैसे स्कूल हैं हमारे प्राइवेट स्कूल हैं या सरकारी स्कूल है, हैं या जो कंपनीज हैं उनकी जो ड्रेस है वो उनको हम ये कहें कि भई हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप से ही आप परचेज़ करेंगे इसी तरह मान लो अचार बनाते हैं तो हमारे जितने भी हॉस्पिटलिटीज हैं या कोई कैंटीनस हैं कंपनियों में कैंटीन हैं तो उनको हम कहें कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप का प्रोडक्ट है जैसे अचार है या पापड़ है या दलिया है जो भी हमारे प्रोडक्ट बनाते हैं वो हम उनको एक गारंटी दें ताकि हमारा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है वो आगे बढ़ सके और एक सेल्फ मतलब जो हमारा आत्मनिर्भर भारत की तरफ हम बढ़ सके बोलते हैं।, हैं उनको एक बाजार आप उपलब्ध करवाएंगे जहाँ पर वो अपना जो भी सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी बनाते हैं उनके लिए एक मार्केट मुहैया करवा रही है है हाँ वो जरूरी है। बगर मार्केट तो तो बेचारे मान लो और प्रोडक्ट बिके ना उसका कोई फायदा नहीं क्या करें सही बात है इसके अलावा सर देखिए सहकारिता शब्द जैसे ही जहन में आता है किसान किसानों की तस्वीर हमें दिखती है कि किसानों को कैसे शोषण से बचाना है उन्हें कैसे ऋण मिल सकता है किसानों की मदद कैसे की जा सकती है तो कैसे आपका विभाग किसानों की मदद करता है ताकि बुरी स्थिति में हो वो उनसे थोड़ा बेटर कर सकें देखो जो पैक्स के जरिए लोन देते थे किसानों को तो वो अपना खाद बीज वगैरह समय पर कर सकें और उनकी एक मार्केटिंग जो हमारी पैक्स है इनके जरिए ही हम उनका मार्केट हमारी मार्केटिंग सोसाइटी हैं वो किसानों का प्रोडक्ट खरीदें और किसानों को इसका फ़ायदा हो और अभी जो माननीय अमित शाह जी की सोच है कि हमारी जो पैक्स हैं इनको मल्टी सर्विस सेंटर में तब्दील किया जाए तो मल्टी सर्विस सेंटर में जब तब्दील हो जाएंगी तो हमारी जो पैक्स आजकल वायबल वाइबल नहीं हैं कोई घाटे में चल रही हैं ये हमारे जितने भी जैसे एफ के प्रोडक्ट हैं डेरी के हैं या सेल्फ हेल्प ग्रुप के हैं या कोई हमारा जो स्माल इंडस्ट्रीज़ हैं इनके एस जो एम हैं इनके प्रोडक्ट हैं ये सब उन हमारे पैक्स पर बिकें ताकि गांव वालों को अच्छा प्रोडक्ट और सस्ता प्रोडक्ट गांव के अंदर ही मिले और एक उनके बाजार एक बाजार तो अच्छा, आप ये बताएं दर्शकों को हरियाणा वासियों को कितने हर हित स्टोर खोले गए उसके जरिए कितने लोगों को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचा कितने लोगों को रोजगार मिला और कितने स्टोर अभी खोले जाने बाकी के देखो हर हित में हमने दो ये स्टोर खोलने का एक टारगेट रखा था और पिछले साल हमने केतर का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था और धीरे 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 जो भी डिमांड आती है उसको हम पूरा कर रहे हैं और हर हित से दो हमें फ़ायदे हुए हैं एक तो एक रोज़गार मिला है दूसरा ये कि गांव के अंदर अच्छा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला प्रोडक्ट सस्ते दरों पे लोगों को मुहैया हो रहा है एक ये फायदा हुआ है और हमारे जितने भी जो बेरोजगार बच्चे हैं वो इसकी तरफ जा सकते हैं और जो प्रोडक्ट बाजार के अंदर महंगे मिले जो क्वालिटी जो हमारे एफिड की जो एक ब्रांड है चाहे आटा है दाल है तेल है ये अच्छे ब्रांड हैं और इनका लोगों में विश्वास भी है तो अच्छा प्रोडक्ट लोगों को मिल रहा है और हर हित अभी कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का जी रिस्पॉन्स कैसा मिला रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है और हरित की तरफ लोगों की डिमांड भी बढ़ी है और ये जो कोऑपरेटिव के जितने भी हमारे जैसे आप दूध के बूथ हैं विटा के बूथ हैं इनके भी डिमांड काफ़ी बढ़ रही है क्योंकि विटा की भी आ, क्वालिटी हमारी अच्छी है विटा के प्रोडक्ट अच्छे हैं तो हम इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जितने स्टोर हम खोल सकते हैं खोलें ताकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो सबकी रीच पे हों सब पहुँच पहुँच पे हों ताकि हमारा सहकारिता को लेकर तो हम बात कर चुके हैं विस्तार से क्या किया गया क्या किया जा सकता है क्या, क्या किया जाएगा सर इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग पर अगर आएं तो सरकार के और विभाग के कामकाज को कैसे देखें हरियाणा वासी देखो अभी जो हमारा ये विभाग है सी बी वेलफेयर विभाग है ये गरीबों से जुड़ा हुआ विभाग है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस तरह से परिवार पहचान पत्र के जरिए मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना चला रहे हैं और अंतिम व्यक्ति तक हमारी योजनाओं का लाभ कैसे पहुंचे इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है सीएम का सबसे बड़ा सिद्धांत है अंत्योदय कि हम अंतिम व्यक्ति का विकास ही नहीं करें बल्कि अंतिम व्यक्ति से ही शुरुआत करें क्या आपको लगता है इधर धरातल पर उतरा के नहीं बिल्कुल जो माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो आगे निकलगा वो अपनी चिंता खुद करेगा लेकिन हमें उस आदमी की चिंता कर करनी है जो बेचारा अपनी आ, मांग मांग भी नहीं सकता उस आदमी तक हमें पहुंचना है और उसी से हमें शुरुआत करनी है और उसी दिशा में जो ये परिवार पहचान पत्थर और जो अंत्योदय मेले लगाए जा रहे हैं वो उन्हीं लोगों के फायदे के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि वो हमारी जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की उनका लाभ उठा सके अच्छा बीसीए को एक कैटेगरी को जो पंचायतों में प्रतिनिधित्व या आरक्षण देने की बात है सर आपको क्या लगता है कि कितनी भागीदारी बढ़ेगी और कितना इसका लाभ मिलेगा देखो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से घोषणा की थी कि हम बीसीए को भी पंचायतों में रिजर्वेशन देंगे और उसको उस वादे को पूरा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और वो कोर्ट में चला गया था लेकिन उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बी आयोग की घोषणा वो निर्माण किया और बी आयोग ने एक सर्वे रिपोर्ट अभी तीन चार दिन पहले मुख्यमंत्री जी को सौंपी और उसके बाद कैबिनेट में उसको स्वीकार किया गया और उसके बाद उसका एक ऑर्डिनेंस ला करके और गवर्नर साहब के पास भेजा गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन उसकी अधिसूचना जारी करेगा और निश्चित तौर पर जो बी ए

अच्छे दिन आए निश्चित तौर पर आपने आठ साल पहले भी दक्षिणी हरियाणा की हालत देखी होगी चाहे वो सड़क का मामला हो चाहे वो बिजली का हो चाहे वो शिक्षा का हो चाहे वो स्वास्थ्य का हो हर महकमे में और चाहे नौकरियों की बात हो इस दक, इस क्षेत्र की उपेक्षा की गई इसको मतलब पीछे रहा है हर क्षेत्र में पीछे रहा लेकिन हमारी जो सरकार आई है 2014 के बाद आप रोड्स की हालत देख सकते हो हमारे दक्षिणी हरियाणा में खासकर हाईवेज हैं आपका फ्रेट कॉरिडोर है आपकी आर आर टी एस भी आ रही है अभी और जहाँ तक पानी की बात करें मेरे से पहले भी विधायक जी ने और कापड़ीवास जी ने भी बात की कि हमारा जो क्षेत्र है दक्षिणी हरियाणा का इसमें पानी का अभाव रहा है चाहे वो पीने का पानी हो चाहे वो सिंचाई का हो मुझे याद है जब 2014 में आ, मैं चुनाव में लोगों से वोट मांगने जाता था तो मेरे सामने एक गिलास का पानी महिलाएं लेके आती थी कि इस पानी को पी के देखो वास्तव में वो पानी पीने लायक नहीं था कड़वा पानी था और हमने उसी टाइम सोचा कि भाई अगर हमें मौका मिला तो हम इस समस्या को निश्चित तौर पर दूर करेंगे आज उस पानी को बिना फिल्टर पिया जा सकता है बिल्कुल बिल्कुल और उसके बाद ऊपर वाले की मेहरबानी हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ये विभाग मेरे को मिला और हमने पूरे दक्षिण हरियाणा में खासकर आपके सतनाली से लेके और फिरोजपुर झिरका तक लगभग हमने 1100 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट स्वीकार किए और आज सारा क्षेत्र नहरी पानी से जुड़ा हुआ है और हमारे यहाँ पीने के पानी की अब कोई दिक्कत नहीं है वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है क्योंकि सड़कों का भी आपने जिक्र किया ये विकास का आधार है अपने आप में और पानी तो सबसे बड़ी जरूरत है और इसमें कोई दो राय नहीं कि दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी परेशानी पानी से जुड़ी है इसके लिए आपको शुभकामनाएं आपने काम किया इसे लेकर आ, लेकिन सर पूरी कैबिनेट की के आप बात करें तो और भी दूसरे भी मंत्री हैं आप भी उन मंत्रियों में आते हैं जो कभी किसी विवाद किसी कॉन्ट्रवर्सी में नहीं रहते हैं ये आपकी एक वाकई अच्छी बात है लेकिन एक विधायक के नाते बात करें बावल के लिए बावल के विधायक ने क्या किया के? देखो बावल तो पिछले पिछली सरकार में भी आप राज्य मंत्री रहे इस बार तो आपका कद भी बढ़ा के बड़े मंत्री आप बने देखो बावल का जहाँ तक हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं चाहे हो बिजली का हो बिजली के अंदर भी हमने पाँच छः सब स्टेशन तैंतीस केवी के बनवाए पिछली बार और 120 सौ बीस के वी का हमारे सब स्टेशन लगभग बनकर तैयार हो गया वो भी तैयार हो जाएगा और जब हम आए तो हमारे पास लोग आते थे कि जी मेरी मोटर फूक गई हमारे पानी नहीं आता डिम लाइट आती है लेकिन हमने आते ही पिछली योजना में ही चार सब स्टेशन हमने तैंतीस के वी के बनवाए और उसके बाद हमारे पास कोई समस्या नहीं आती भाई हमारी मोटर फूक रही है डिम लाइट आती है तो बिजली की समस्या हमारे हल्के में बिल्कुल नहीं है इसी तरह आपकी सड़कें सड़कें कम थी गड्ढे ज़्यादा थे लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि किसान आंदोलन की वजह से हमारी कुछ सड़कें टूटी हैं और वो भी अभी रिपेयर हो रही हैं जल्दी वो भी रिपेयर हो जाएंगी और मेरे हलके में कोई सड़क ऐसी नहीं है जहाँ कोई टूटी फूटी सड़कें हों और पानी की मैंने बता दिया पूरा हल्का हमारा आ, कनाल बेस से जुड़ा हुआ है पानी की पीने की हमारे कोई दिक्कत नहीं है इसी तरह एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी हमारे मेरे हलके में तीन तीन महिला कॉलेज हैं पाली में हैं आपका रेवा बावल के अंदर भी एक कोएड कॉलेज था लेकिन उसके बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे को एक महिला कॉलेज और दिया और वो महिला कॉलेज 2017 से चल रहा है लेकिन उसकी बिल्डिंग अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है वो भी एक साल के अंदर पूरी हो जाएगी जी। और हमारा एक जो बी एग्रीकल्चर कॉलेज था जो उन्नीस में, में चौधरी भजन जी ने नींव रखी थी और उसकी किसी ने शुद्ध नहीं ली लेकिन 2015 में माननीय मुख्यमंत्री जी जब बावल आए तो हमने उसकी डिमांड रखी और उसी साल से वहाँ क्लासेस शुरू हुई और आज एक बहुत बड़ा कैंपस उसमें कॉलेज की बिल्डिंग गर्ल्स हॉस्टल बॉयज़ हॉस्टल ऑडिटोरियम लाइब्रेरी बहुत बड़ा कैंपस आज वहाँ है और हरियाणा में तीन ही ऐसे कॉलेज हैं एक में एक कोल में एक बावल में आज हमारे वहाँ बी एस से हमने शुरू किया था वहाँ एम और पी की क्लासें भी हो रही हैं और दूसरी और भी कई सुविधाएं हम कॉलेज में लेके आ रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज आपका होम साइंस और एक आपका पशुओं के लिए एनिमल हस्बेंड्री का रिसर्च सेंटर ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी जब नवंबर में आए थे तो वो सेंक्शन करके गए वो भी हमारा यहाँ जल्दी ही हम उन पर भी काम करेंगे और जहाँ तक हम बात करें इसकी स्वास्थ्य की हमारे स्वास्थ्य के अंदर एम्स एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि पूरे हरियाणा में एक बनना था देखिए एम्स को लेकर ही मैं आने वाली थी एम्स पर ही बात करने वाली थी ड्रीम प्रोजेक्ट है अपने आप में केवल दक्षिण हरियाणा नहीं बल्कि पूरे हरियाणा और आसपास के प्रदेशों को भी इंतजार कर सर क्या स्थिति है अभी और कब तक हम मानकर चले कि पूरा जब ये प्रोजेक्ट हमने इसकी मांग की बावल के अंदर दो में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको स्वीकार किया और उसके बाद जो मेन मुद्दा जहाँ जिस गांव में हमने ज़मीन प्रपोज़ की थी वो ज़मीन फॉरेस्ट की निकली आई और फॉरेस्ट ने उस पर ऑब्जर्वेशन लगा दी कि भाई यहाँ पर आप ये कोई स्पेसिफ़िक प्रोजेक्ट नहीं है इसको कहीं और भी बना सकते हो यहाँ आप क्या नहीं बन सकता ये अरावली उसमें हिल्स में आ, एरिया में आता है उसके बाद हमें जो समस्या ज़मीन की आई और उस ज़मीन की समस्या को हल करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी जब चुनाव के टाइम आए तो लोगों से अपील की कि भई आप ज़मीन आप दे दो हम पैसे से खरीद कर दे देंगे हालांकि उनकी तो एक कंडीशन थी कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो 200 एकड़ जमीन देगा वहाँ हम एम्स बनाएंगे लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव में कहा कि भाई हम जमीन ख़रीद लेंगे खरीद के हम एम्स को दे देंगे ताकि हमारा ये घोषणा पूरी हो सके और उसके बाद हमने तलाश शुरू की तो माजरा गाँवड़ों का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने ये 200 एकड़ ज़मीन देने का एक जो हमारा पोर्टल लैंड लैंड बैंक है जो हमारा उसके ऊपर पोर्टल पे डाली और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 80 करोड़ रुपए 200 एकड़ के 80 करोड़ रुपए स्वीकार किए और उसके बाद अभी जो रजिस्ट्रियाँ हैं वो लगभग एक एकड़ की रजिस्ट्री हो चुकी हैं केवल बीस एकड़ ज़मीन बची हुई है और जब वो रजिस्ट्री हो जाएंगी तब हम ये ज़मीन एम्स के नाम ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद इसका शिलान्यास होगा सरकार की तरफ से कभी भी डिले नहीं रहा सरकार की नीयत में कभी खोट नहीं रहा लेकिन आ, आपको पता है कि एम्स तो ज़मीन पे बनेगा जब तक ज़मीन हमारे हाथ में नहीं हो तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते और अब जल्दी ही इसको शिलान्यास की तरफ ले जाए जल्द ही मानकर चलें कि देखिए बड़ी बात ये अभी मैंने कहा कि विवादों में आप नहीं रहते हैं साथ ही आपकी एक बड़ी बात कि राव की राव साहब के करीबी तो आप माने ही जाते हैं लेकिन सीएम की गुड बुक में में भी भी आप 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 आते हैं ये भी आप बना कर चलते हैं ये ये तालमेल बनाकर चलते बहुत बड़ी बात देखो, अपने देखो मेरा एक पॉजिटिव पो, एटीट्यूड रहता है और मैं काम में विश्वास रखता हूँ और मैं ग्रुपबाजी में या किसी की आलोचना करने में विश्वास नहीं रखता मेरा सिर्फ एक ही रहता है कि मैं बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ उसका प्रयास मैं करता हूँ बाकी मैं किसी की चुगली करना किसी की बुराई करना इसमें नहीं पड़ता हूँ अच्छा आपको कौन कौन से मुद्दे वो लगते हैं सर कि अहिरवाल को लेकर जिनको अभी काम किए जाने की जरूरत है क्योंकि अभी समय है चुनाव में जाने में तो प्राथमिकता से जिन पर काम होना चाहिए क्योंकि जनता के लिए तो सबसे बड़ी बात ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा देखो काम हमारे पूरे प्रदेश में ही हुए हैं हमारे विधानसभा क्षेत्र में भी काफी काम हुए हैं जो छोटी छोटी समस्याएं जो हमारे को चुनाव में नुकसान करती हैं वो हमने देखा कि हम जब गांव में जाते हैं हमने सड़कें बनवा दी पूरे हमारे हल्के में और पूरे प्रदेश में ही मैं कहूँगा कि सड़कें सब गाँव में बनी हुई हैं लेकिन एक समस्या है कि जैसे पानी भर जाता है तो जो उस टाइम जो बनना जब काम हुआ सड़क का उस टाइम लोगों ने ध्यान नहीं दिया कहीं नीचे बन गई कहीं ऊंची बन गई कहीं नालियां नहीं छोड़ी तो उसकी वजह से जो पानी सड़क पर भर जाता है और गंदगी जो लगता है उसकी वजह से मतलब है तो छोटा काम लेकिन उसकी वजह से हमें बदनामियाँ ज़्यादा मिलती हैं तो एक तो हम ये करेंगे कि जो गंदगी है उसकी नालियाँ नूलियाँ बनवाएँ और सड़कों पर जब बने उस पर ध्यान दें और जो जोड़ों की बात कर रहे हैं कि जोड़ों की वजह से भी काफ़ी समस्या है तो एक अमृत सरोवर योजना जो हमारी चल रही है उसके तहत जो हमारे 18000 के करीब पूरे प्रदेश के अंदर जोड़ हैं इन जोड़ों की भी स्थिति हम सुधारें ताकि जो शहर जो गांव है हमारे साफ सुथरे रहें ज्यादा बड़ी समस्या अब गाँव में काम की नहीं रही विकास हमारे हर गाँव में अच्छा हुआ है विकास की दृष्टि से कई कोई शिकायत नहीं है लेकिन ये छोटी छोटी समस्या हैं जो हमारे को थोड़ा नुकसान कर देते हैं गांव में सफाई नहीं होना पानी भर जाना ये सारी समस्या इन पर हम ज्यादा ध्यान देना चाहते राजनीतिक सवालों पर भी आते हैं अभी बीजेपी अध्यक्ष जे नड्डा हरियाणा के दौरे पर रहे आप भी चंडीगढ़ में मौजूद थे पंचकुला में थे आप भी बैठकों में शामिल हुए सर uh, क्या कुछ मंत्र दिए गए क्या पंचायत चुनाव को लेकर विधानसभा को लेकर मंत्रियों के कामकाज को लेकर चर्चा की गई और क्या गठबंधन को लेकर भी कोई समीक्षा की गई देखो जहाँ तक एक राजनीतिक आदमी के लिए जनता ही सर्वप्रिय है जो हमारे वोटर हैं वो ही हमारे लिए भगवान है तो हम सब लोगों को जो भी राजनीतिक क्षेत्र में आया है उसको अपने जो वोटर हैं जो हमारे लोग हैं उनके संपर्क में रहना चाहिए उनके दुख सुख में रहना चाहिए उनसे जो तालमेल है पहले वाला ही रखें भाई मान लो मैं आज मंत्री बन गया तो ये हवा में ना रहेंगे मैं मंत्री बन गया क्योंकि मंत्री सदा नहीं रहता आदमी लेकिन हमें जो अपना व्यवहार है जो हमारा पहले व्यवहार था वही व्यवहार अभी जनता के साथ रखना चाहिए क्योंकि काम सबके नहीं हो पाते नौकरी आप सबको नहीं दे सकते लेकिन एक जनता को सेटिस्फैक्ट्री जवाब उनको दिया जाए उनके साथ अच्छा तालमेल बना के रखें और जनता के बीच में मैक्सिमम रहें अगर आप जनता से दूर हो गए तो जनता भी आपसे दूर हो जाती है तो ये एक सबसे बड़ा मंत्र है कि जनता के बीच में रहना जनता के बीच रहे बिल्कुल इसके अलावा पंचायत चुनाव को लेकर बात करें आपको ये अंदर की बात बताना चाहें कि क्या गठबंधन में दोनों पार्टियां लड़ेंगी या अभी डिसाइड करना बाकी है देखो ये तो हमारा जो हाईकमान है उसने तय करना है कि साथ लड़ना है अलग लड़ना है या सिंबल पर लड़ना है या बगैर सिंबल लड़ना है ये सब ऊपर वाले तय करेंगे लेकिन जो हम चुनाव के अंदर जाएंगे तो हमारा एक ही मंत्र है विकास पिछले आठ साल के अंदर हमने सभी गाँव में सभी विभागों में अच्छा काम किया है तो विकास को ही हम आगे लेके चलेंगे और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले आठ साल के अंदर जो व्यवस्था बदलने का जो काम किया है और वो क्या है कि जो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए ऑनलाइन सर्विसेज जो हमारी की हैं इनसे बहुत फर्क पड़ा है जो ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं उससे भ्रष्टाचार तो निश्चित तौर पर कम हुआ ही है क्योंकि मान लो किसी की पेंशन दो हज़ार रुपये मिलती थी और वो दो हजार रुपये बीच में काफ़ी लोग खा जाते थे लेकिन आज अगर दो हजार रुपये वहाँ से चली है तो दो हजार ही उसके खाते में आएंगे तो ये भ्रष्टाचार कम करने में एक बहुत अच्छा ऑनलाइन जो सर्विसेज मान्य मुख्यमंत्री जी ने इसका बहुत बड़ा ख्याल लेकर हैं बिल्कुल तो ये जो व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री चाहे कोई डॉक्यूमेंट्स लेना हो आपको आपको रजिस्ट्री करवानी थी तो तहसील में चक्कर काटने पड़ते थे कोई बर्थ सर्टिफिकेट लेनी थी या कोई डोमेसल सर्टिफिकेट लेना था तो आप अधिकारियों के चक्कर काटते रहते थे लेकिन आज आप घर बैठे ये सारी सुविधाएं ले सकते हो तो ये एक व्यवस्था परिवर्तन का काम जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और जिस तरह से जो योग्यता के आधार पर जो नौकरियाँ देने का जो काम किया है वो बहुत ही अच्छा हुआ है क्योंकि देखो हम सब आदमियों को तो नौकरी दे नहीं सकते लेकिन योग्यता के आधार पर अगर कोई आता है तो हम कह सकते हैं कि भाई वो योग्य था तो लग गया तो ये बहुत अच्छा एक काम किया है और लोग भी इससे सेटिस्फाइड हैं कि भाई कम से कम जो बच्चा मेहनत करेगा वो नौकरी लग जाएगा पहले तो वाली सरकारों में ऐसा नहीं था पहले वाले तो ये कहते थे पढ़ लिख के क्या करेंगे नौकरी तो मिलनी नहीं तो अब जो एक लोगों के बच्चों के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि इस सरकार में

चाहे वो पुलिस में है चाहे और विभाग में है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो उनकी नौकरी की गारंटी दी है क्योंकि जो आदमी वहाँ से चार साल ट्रेनिंग करके आएगा वो एक डिसिप्लिनड होगा ट्रेंड होगा तो प्रदेश को तो एक अच्छा स्टफ मिलेगा और उसी को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इनको नौकरी देंगे सरकार संगठन सरकार की कार्यशैली कामकाज योजनाओं को लेकर हमने बहुत बात बात की की आपके विभाग को लेकर भी बात की। विपक्ष को लेकर भी बात करेंगे क्योंकि लोकतंत्र का एक बड़ा हिस्सा विपक्ष भी है जनता की आवाज उठाने के लिए सर हरियाणा के विपक्ष को कैसे देखा जाए क्योंकि आप जानते हैं गुलाम नबी आजाद से भूपेंद्र हुड्डा मुलाकात करते हैं सैलजा विवेक बंसल को पत्र लिख देती है शिकायत करती है की इनसे जवाब मांगा जाए देखो कांग्रेस एक डूब डूबता जहाज है और सब लोग अब निकलने का प्रयास कर रहे हैं और जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था कि ये देश कांग्रेस फ्री देश मतलब होगा तो उस दिशा में मेरे ख्याल से बढ़ रहे हैं कांग्रेस का अब कोई अस्तित्व केंद्र में नहीं रहा और जो बड़े बड़े उनके नेता हैं वो छोड़ छोड़ के जा रहे हैं तो कांग्रेस अब मेरे ख्याल से उसका अस्तित्व यहाँ रहा नहीं गठबंधन को लेकर आप क्या कहेंगे गठबंधन अच्छे से काम कर रहे हैं अभी तक देखो अभी तक गठबंधन की सरकार अच्छी चल रही है और आगे भी विश्वास है कि अच्छी चलेगी सीएम साहब के कामकाज को कैसे देखते हैं क्योंकि आपने दो तीन बातों का तो जिक्र किया कि एक तो समान विकास कि दक्षिण हरियाणा को भी साथ लेकर चले हैं सबका साथ साथ सबका विकास का सिद्धांत रहा अंत्योदय का सिद्धांत रहा पर्ची खर्ची सिस्टम खत्म कर दिया गया पारदर्शिता लेकर आए और एक सिस्टम चेंज करने की जो बात होती है कि व्यवस्था परिवर्तन किया गया तो आप मानते हैं कि बड़ी उपलब्धियां सीएम की भी हैं सरकार के साथ साथ देखो मुख्यमंत्री जी हर हर समय एक कुछ नया करने की सोचते हैं आज भी उन्होंने ये कहा कि भाई देखो सबका साथ सबका विकास तो हो रहा है लेकिन एक सबका विश्वास और सबका प्रयास भी हमें अगर मिल जाए तो निश्चित तौर पर हम आगे बढ़ेंगे और उन्होंने ये भी कहा कि जो हम काम कर रहे हैं इस काम का एक पोर्टल हम खोलेंगे कि जनता से विचार लेंगे कि भाई जो हम एक काम कर रहे हैं इसमें अगर कहीं आ, काम में कोई मटीरियल घटिया लगा है या कोई और भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके बारे में भी जनता से हम राय लेंगे ताकि उस पर भी हम कार्रवाई करें तो माननीय मुख्यमंत्री जी नई नई सोच आ, रखते हैं और वो चाहते हैं कि जो हमारा प्रदेश है इसमें भ्रष्टाचार ना हो और जो जनता का पैसा वो सही दिशा में लगे अंतिम सवाल सर सिंगल अचीवमेंट अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि की पीढ़ियां याद रखें बनवारी लाल को कि दक्षिण हरियाणा के लिए ये काम किया गया था जब वो मंत्री रहे देखो मैं तो सबसे ज्यादा तो पानी की उपलब्धि मानूंगा कि पानी हमारे लिए जीवन रेखा है और पानी के लिए हमने जो काम किया है पूरे दक्षिणी हरियाणा के लिए निश्चित तौर पर यह सबसे बड़ा काम है बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया बातचीत की तो डॉक्टर बनवारी लाल को आपने सुना सहकारिता को लेखन अपने विभाग को लेकर किसानों को लेकर महिलाओं युवाओं को लेकर सरकार की योजनाओं को लेकर विस्तृत बात की सीएम बेहतरीन काम कर रहे हैं और सीएम की अगुवाई में हरियाणा सरकार भी शानदार काम कर रही है कर रही। दावा इनकी ओर से किया गया साथ ही अहिरवाल की तस्वीर बदली है पिछले आठ साल में ये भी इनका दावा है साथ ही कुछ काम अगर हैं तो उनको आने वाले वक्त में पूरा किया जाएगा ये भी इनकी ओर से दावा किया गया बहुत शुक्रिया सर आपका